खबर सहरसा से है, जहां 16 मिट्ठू कुमार जो किराना व्यवसाय का बेटा है उसका अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित किराना व्यवसाय सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी का है रहने वाला। सदर थाना में मामला दर्ज करने के लिए पीड़ित व्यवसायी ने आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ये मामला कल सुबह का है, जब अपने पशुपालन कॉलोनी स्थित घर से अपने शंकर चौक स्थित किराना दुकान जा रहा था। उसी वक्त अपराधियों द्वारा अपहरण की बात कही जा रही है। पीड़ित किराना व्यवसाय अरुण प्रसाद यादव की माने तो अपने घर से दुकान जा रहा था। उसके पास में 1.5 लाख रुपया भी था जो व्यापारी को देना था, इसी दौरान अपहरण कर लिया। जानकारी के बाद इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी गई। उसके बाद अंतिम लोकेशन सिमरी बख्तियारपुर होने की बात पुलिस द्वारा कही गई। वहीं अपहरणकर्ता द्वारा 3 लाख रुपया फिरौती की मांग करने के बाद किराना व्यवसाय मिट्टू के पिता ने बताई। वहीं अपहृत मिट्टू की मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कह रही है। थाना हमारे बेटा जा रहे दुकान पर से रास्ते में किडनैप कर ललके 10 टा लड़का मिल के गाड़ी में बैठा के ले गए मार पीट के और अले जो बेटा के किडनैप कर ललके 3 लाख टका मांगे छे। 3 लाख टका मांगे रहे जे तोरा बेटा के छोड़ देबो हम उठा के ले गलियो आ हमरा नहीं छे टका। थाना गलिए, थाना में कोई सुनवाई नहीं, अखन तक हमारे बेटा नहीं अल कतौ छे नहीं छे तो हम के जान गलिए ने कुछ खबर ने कुछ नहीं दे रहा है ने प्रशासन कहे छे जनता के सेवा करे ले प्रशासन सरकार रखने छी तो की सुरक्षित करे छे। हाँ की नाम भेल अहाँके? चंद्रिका देवी। हाँ बताइए कि आपका क्या चीज का दुकान है? किराना और का दुकान है शंकर चौक पे। मेरा बच्चा दुकान पे जा रहा था तिल वाला को पेमेंट देने के लिए, 1.5 लाख रुपया उनके साथ में था और रास्ते में बच्चा का अपहरण कर लिया और फिर अपहरण करने के बाद अपन करता फोन किया उधर से कि 3 लाख रुपया पहुँचाओ तब तुम्हारा बेटा को छोड़ेंगे। थाना गए तो क्या कहा थाना में? थाना में बोला लोकेशन ट्रेस किया, बोला बख्तियारपुर बता रहा है, हम तहकात कर रहे हैं और अभी तक जो है ना मेरा बच्चा ना अभी तक घर नहीं पहुंचा है ना थाना पहुंचा है। तो अपहरणकर्ता फोन करके क्या कहता है? अपहरणकर्ता कहता है फिरौती दे दो 3 लाख, उसके बाद बेटा को ले जाओ। पैसे का लेन देन का भी कोई मामला है? नहीं, कोई मामला नहीं है उनसे हमको। क्या नाम आपका? अरुण प्रसाद यादव।